जो डिज़ाइन करेंगे कॉलम और बीम सेक्शन का, जो हमारा ये है, तो इसका हम डिज़ाइन करेंगे स्टेट प्रो के हेल्प से, और इसमें लोड यूटीएल भी लगाएंगे और कंसंट्रेट लोड भी लगाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेट प्रो। सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट, सिलेक्ट स्पेस, सिलेक्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दीजिए, अपने जो फाइल के नाम दे सकते हैं हम दे देते हैं। करते हैं आप लेंथ यूनिट मीटर और फोर्स यूनिट किलोन्यूटन, उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट, ओके, एड बीम फिनिश। हम ग्रिड को पहले सेट कर लेते हैं, ग्रिड को, ग्रिड यहाँ पे एक्स में ले लेते हैं 6.5, इसमें लेते हैं 1, ओके। हमारा जो स्पेन दे रखा है ये है 4 मीटर, और ये हमारा 4.5, और ये हमारा भी 4 मीटर, ये हमारा है 4 मीटर, उसके बाद ये स्पेन हमारा 4.5, उसके बाद ये 4, ग्रिड को हटा दीजिए। फोर मीटर, और ये है हमारा 4 मीटर, 4 मीटर। फिर चलते हैं हम ज्योमेट्री में, हमारे यहाँ पे 3 मेंबर है, तीनों मेंबर दिखा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं जनरल पे, जनरल पे जाने के बाद आप सेक्शन डिफाइन करेंगे, जो हमारा सेक्शन है कॉलम, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम है 0.7 मीटर, और क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम है 0.3 एंड 0.4 मीटर, जो सेक्शन है इसका प्रोवाइड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम है 0.7 मीटर एड, और हमारा राइट बीम का क्रॉस सेक्शन है 0.3 बाई 0.4 मीटर एड। मटेरियल हमारा कॉन्क्रीट ही रहेगा, कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट या स्टील या स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम कुछ भी ले सकते हैं। हम कॉन्क्रीट में डिजाइन कर रहे हैं तो कॉन्क्रीट ले लिया। पहले हमको कॉलम को एनालाइज करना है, सिलेक्ट द कॉलम, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस, इसमें असाइन हो गया। सिलेक्ट द रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम, असाइन टू सिलेक्टेड, यस। अब यहाँ से देख सकते हैं इसका ये सेक्शन है जो हमने प्रोवाइड किया है, ये हमारा बीम है, ये हमारा कॉलम है। इसके बाद चलते हैं सपोर्ट पे, हमारा फिक्स सपोर्ट है दोनों साइड पे। सपोर्ट में जाके क्रिएट सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट, ऐड, क्रिएट सपोर्ट, सिलेक्ट द नोड, असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, यस। सपोर्ट लगाने के बाद आप चलते हैं हम ब्रॉडकास्ट डिटेल्स पे, जो हमारा क्रॉस लॉट का हॉरिजॉन्टल स्पेन ये तो हो गया। लॉट के डिटेल में एक यूटीएल है 425 किलोन्यूटन पर मीटर, और एक कंसंट्रेट लॉड है जो 20 किलोन्यूटन है। हमारा ये यूटीएल जो है ये पूरे हॉरिजॉन्टल स्पेन पे 25 किलोन्यूटन, और जो हमारा कंसंट्रेट लॉड है, कंसंट्रेट लॉड है हमारा 1 मीटर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर के नीचे है 20 किलोन्यूटन। चलते हैं हम सबसे पहले लोड केस डिटेल्स, एड, एड का डेड लोड तो हम बी एल दे देते हैं, एड क्लोज, सिलेक्ट डेड लोड, एड, तो हमारा ये सेल्फ वेट लोड आ रहा है। कोई भी मेंबर का, कोई भी जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका खुद का एक लोड होता है जो वाई डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव में लगता है, वाई डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव में लगता है, इसलिए जो नीचे की ओर लगता है उसको एड कर लेते हैं क्लोज। सेलेक्ट सेल्फ लोड, असाइन टू व्यू, यस,
साइन हो गया ये पूरा। फिर डेड लोड पे चलते हैं, हमारा यूडीएल है यूडीएल है हमारे इसमें। यूडीएल है माइनस का 25 किलो न्यूटन। तो मेंबर पे चलेंगे, मेंबर पे जाने का यूनिफॉर्म लोड माइनस 25 किलो न्यूटन है, जो 4.4 मीटर पे है, 4.5 मीटर पे है। और इसका जो जो क्रॉस सेक्शन होता है 0.2 है, क्यों 4 मीटर का जी वाई डायरेक्शन, इसको कुछ भी नहीं करना, एड क्लोज। ये हमारा इस वाले मेंबर पे है, तो सिलेक्ट था और जनरल मेंबर असाइन असाइन लग चुका है। उसके बाद और एक कंसंट्रेट लोड है, फिर एट पे चलेंगे, एट पे जाएंगे मेंबर लोड, फिर इसका कंसंट्रेट लोड या कंसेंट लोड या कंसेंट्रेट फोर्स, कंसेंट्रेट लोड या कंसेंट्रेट फोर्स है हमारा माइनस का 20 किलोन्यूटन 1 मीटर पे है, जी एक्स डायरेक्शन पे है, क्योंकि इधर लग रहा है। एड क्लोज सिलेक्ट मेंबर असाइन टू सेलेक्टर भी असाइन, ये हमारा लग गया 1 मीटर पे। एक मिनट इस पे बीच में लग गया, तो इसका वोल्टमीटर हमको यहाँ देना है, यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि डी डायरेक्शन पे 0। चेंज क्लोज ये लग गया 1 मीटर पे कंसंट्रेट लोड। ये हमारा यूडीएल लग गया 25 किलो न्यूटन ये वाला, और यहाँ पे लग गया कंसंट्रेट लोड 20 किलो न्यूटन। उसके बाद अब चलते हैं हम चलेंगे एनालाइज पे, ऑल एड क्लोज, फिर आप चलेंगे एनालाइज पे। एनालाइज पे कंट्रोल F5 से भी कर सकते हैं या रन एनालाइज कर सकते हैं, सेव। जो हमारा एरर है वो 0 है, वार्निंग भी 0 है और नोट्स भी 0 है, इसका मतलब हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड डन, इससे आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ये दिखा रहा है आपका क्या क्या डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर आया है, और यहाँ पे सारा कैलकुलेशन है समरी में देख सकते हैं कितना कितना लोड पे कौन सा डिस्प्लेसमेंट आया है। अब यहाँ से देख सकते हैं ऑल रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जितना है उसका दिखा रहा है ये। उसके बाद यहाँ से आप रिएक्शन भी देख सकते हैं, जो हमारा रिएक्शन कैसे कैसे कितना आया है, इस सपोर्ट पर कितना रिएक्शन है और इस सपोर्ट पर कितना रिएक्शन है। फिर बीम पे चलते हैं, ये बैंडिंग जेट के लिए ग्राफ है ये वाला। स्ट्रेस पे चलते हैं, स्ट्रेस ये बीम स्ट्रेस है, ग्राफ पे चलते हैं। हमारा इस वाले कॉलम के लिए ये वाला ग्राफ है, जो बेंडिंग जेड ग्राफ है, जो जो चीज में देख सकते हैं आप, इस वाले कॉलम के लिए ये ग्राफ है हमारा, जो मूवमेंट क्या क्या आ रहा है इसके अंदर ग्राफ में दिखाया जा रहा है। इस वाले के लिए ये ग्राफ है, इससे आप ये देख सकते हैं। यहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, जिसमें एक्सेल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आप शेयर वाई एंड डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, आप मूवमेंट भी देख सकते हैं। ये टॉर्शन का दिखा रहा है आपका, ये आपका टॉर्शन दिखा रहा है, टॉर्शन कहाँ कहाँ आ रहा है, कितने मूवमेंट पे कितने बीम पे दिखा रहा है। एनालाइज कर देते हैं एक बार, व्यू आउटपुट डन। आपका मेंबर है, नंबर ऑफ जॉइंट 4 है और नंबर ऑफ मेंबर 3 है। हमने सपोर्ट 2 सपोर्ट लगा रखा है, 2 सपोर्ट दिखा रहा है यहाँ पे आपका। अपने हमने यूडीएल लगा रखा है माइनस का 25 किलो न्यूटन और एक कंसंट्रेट लोड रखा है माइनस का 20 किलो न्यूटन, हमारे 2 लोड लगे हुए हैं। आपका सारा रिजल्ट है जो आपके सामने है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।